हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष के साथ बाबा प्रेम कांवरिया संघ पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में बाबा बैजनाथ धाम की कांवर यात्रा के लिए रवाना हुए। शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने निवास स्थान में विधिवत पूजा अर्चना के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की समृद्धि के साथ सबकी खुशहाली की कामना दिल से की। उन्होंने कहा कि यात्रा कठिन जरूर है, पर बाबा बैजनाथ हर बार उनकी यात्रा को आसान कर देते हैं। कांवर यात्रा पर निकले पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और उनकी टीम का सेक्टर 8 चौक, सेक्टर 10 चौक, सिविक सेंटर चौक सहित अन्य स्थानों में स्वागत भी किया गया। लोगों ने उनका स्वागत कर कांवर यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दिल से दी। बाबा से सबका लोग भला मांगते हैं तो बोले वाले हैं साहब, यहाँ से बाबा सबका रहता है, भोजन होता है, सजन होता है, सबके भला में अपना भला। ये बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हम लोग 20 साल से बम बाबा धाम जा रहे थे, बीच में कोरोना कारण 2 साल नहीं जा पाए थे, और फिर इस साल प्रेम कांवरिया संघ के संरक्षक आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में भिलाई से जो यह यात्रा निकलती है कांवर का, फिर से हम लोग भिलाई की कामना के लिए, समस्त जनता के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और विश्व के शांति के लिए मनोकामना के साथ हम लोग जा रहे हैं। और भिलाई गेट में बाबा धाम में शिविर भी 30 दिन का लगाया जाता है भिलाई गेट के नाम से, प्रेम कांवरिया संरक्षक के नेतृत्व में बाबा हम लोग की मनोकामना पूर्ण करें और भिलाई वासियों की सब मनोकामना पूर्ण करें, सब कांवरिया का मनोकामना पूर्ण करें, यही बाबा से हम प्रार्थना करते हैं। बोल बम बोल बम हर हर महादेव हर हर महादेव। देखिए, हम हर साल की तरह ये लगभग मेरा भी 14वां साल है और पूरे जत्थे का ये 20वां या 21वां साल है, और लगातार हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं कि भिलाई की खुशहाली बने रहे, भिलाई में सभी लोग स्वस्थ रहें, और सामाजिक सौहार्द जो भिलाई की पहचान है उस पहचान को भी हम लोग बरकरार रखें, यही कामना बाबा भोलेनाथ से है। और बाबा धाम की यात्रा में हम सब जितने भी लोग जा रहे हैं और वहाँ भी जो लोग हैं वो बाबा की कृपा से स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना बाबा से। शिविर जो लगाया गया है वो सेवा के लिए लगाया गया है, निरंतर लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो उनके सेवा के भाव से वहाँ पे जो हमारे रिसाले के मुकेश पांडे जी हैं, रंगबहादुर जी हैं, उनकी पूरी टीम जो है निरंतर वो इस तरीके का काम कर रही है, तो उनको भी मैं साधुवाद दूंगा। और ऐसा कार्य निश्चित तौर पर पूरे देश में भिलाई का नाम रोशन करता है कि हम सामाजिक दायित्वों को भी अपने निर्वहन कर रहे हैं धार्मिक कार्यों के साथ साथ।